नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने अभी जो आपने स्क्रीन पर पढ़ा एकदम सही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर यदि आप सोच रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान किस चीज में 16वें पायदान से गिरकर 140वें स्थान पर पहुंचा है, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन उसे बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन प्रिसिपिटेशन इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान को तड़का झटका लगा है। इस सूचकांक में बताया गया कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में भ्रष्टाचार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको बता दें कि यह जो करप्शन इंडेक्स का लिस्ट जारी हुआ है, इसमें कुल 180 देश शामिल थे और इस लिस्ट में 16वें पायदान फिसलकर पाकिस्तान अब 140वें स्थान पर पहुंच गया है। दरअसल मैं आप सबको बता दूं कि यह जो इंडेक्स होता है, इस लिस्ट में बताया जाता है कि किस देश में कितना ज्यादा करप्शन है, चाहे वो सरकारी काम हो या फिर देश के कोई अन्य मुद्दे हो। हालांकि यहाँ पे मैं आप एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हमेशा भारत को लेकर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते रहता है, लेकिन आज ये साफ हो गया कि खुद पाकिस्तान कितना दूध का धुला हुआ है। यहाँ पर मुझे कहावत याद आ रहा है कि जिसका घर शीशे के होते हैं, उन्हें कभी दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। आप इस कहावत को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं इस लिस्ट के आने से पता चलता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान का नया पाकिस्तान का नारा बस एक सियासी जुमला ही था। वहीं आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारा प्यारा सा भारत इस इंडेक्स में कितने स्थान पर पहुंचा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में भारत 2020 की तरह 2021 में भी 85वें स्थान पर ही बना हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन प्रिसिपिटेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर 40 है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 28 अंक मिले हैं, यानी भारत यहाँ पर पाकिस्तान से 12 पायदान ऊपर है। वहीं इस सूचकांक में डेनमार्क 88 स्कोर के साथ पहले स्थान पर आया है। आपको बता दें कि इस सूचकांक में डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड 88 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, और नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, मार्क, लग्जमबर्ग और जर्मनी ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। ब्रिटेन 78 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है। वहीं अमेरिका को 2020 में 67 अंक मिले थे और उसे इस बार भी इतने ही अंक मिले हैं, लेकिन वह 2 पायदान नीचे आ गया है। कनाडा 74 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में दक्षिण छुड़ान 11 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर है। वहीं हाल के दिनों में सुर्खियों में बने रहे यमन, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान में को 16 अंक मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अभी अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया और यमन में कितने करप्शन है। खैर, यहाँ पर आपका क्या राय इस पूरे इंडेक्स के लेकर, आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। जय हिंद, जय भारत।